लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई के पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने आज ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाईक के जन्मदिन पर आदिवासी परिवारों और सैकड़ों जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्न और जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इस अवसर पर निवर्तमान नगर सेविका रंजना सोनावने एवं डॉक्टर गौतमी सोनावने खासतौर पर मौजूद थी। यहां सुधाकर सोनावने ने कहा कि संदीप नाईक जनता की लगातार सेवा में जुटे हैं, ऐसे नेता के लिए जनसेवी कार्यों से बेहतर और शुभकामना भला क्या हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन और बारिश की त्रासदी के बीच आज नवीमुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने रवाले के वारलीपाड़ा में आदिवासी परिवारों और सैकड़ों जरूरतमंद नागरिकों को राशन किट, कपड़े और जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाईक के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस जनसेवी कार्यक्रम में निवर्तमान नगर सेविका रंजना सोनावने और डॉक्टर गौतमी सोनावने खासतौर पर मौजूद थे। इन जनसेवी कार्यक्रमों को बीजेपी के युवा नेता संदीप नाईक के नाम समर्पित करते हुए पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने इन जनसेवी कार्यक्रमों को एक सच्ची शुभकामना बताया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता परेशान है, ऐसे में राशन, कपड़े और अनाज की मदद उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप जी नाईक इनके जन्मदिन के अवसर पर वारलीपाड़ा तथा पीतांबरी, संभाजीनगर और बिरसा मुंडा इस वारलीपाड़ा के आदिवासियों को यहाँ पर कई चीज़ों का वितरण यहाँ पर किया गया, इसलिए मैं आयोजकों के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश में स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है, तो किसी भी प्रकार जन्मदिन मनाइए लेकिन ना केक काटिए, ना बैनर लगाइए, ना कुछ कागज का वहाँ पर दुरुपयोग कीजिए। जो भी है, आप जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, उनको जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कीजिए और यहाँ पर उस प्रकार का वितरण भी किया और खाना भी रखा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। और आपने जो प्रथम विधायक है ऐरोली के संदीप जी नाईक, उनको जन्मदिन की सारे प्रभाग क्रमांक 19 और 20 के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लोकनायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों के हाथों आदिवासी महिलाओं को साड़ियां भी बांटी गई। इसके साथ ही यहां गरीब नागरिकों को खिचड़ी का भी वितरण किया गया, जिसके लिए नागरिकों ने पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने के प्रति आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।